वेलकम बैक टू माय फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो आप सब कैसे हैं? तो नेक्स्ट वीडियो में आप सबका वेलकम है, क्योंकि ये जो कल मैंने वीडियो अपलोड की थी उसका पार्ट टू है और हम जा रहे हैं सिंधबाद में। हम बिल्कुल एंट्रेंस पे आ चुके हैं और हम एंटर होने लगे हैं, तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है और वीडियो को फुल वॉच करना है। और हम यहाँ पर आ गए हैं और इशाल अपने पापा को आवाज़ दे रही है और आदि ले रहे हैं टिकट। और ये देखें, आदिल टिकट घर के पास खड़े हैं, यहाँ से टिकट ले रहे हैं। हम बहुत देर के बाद आए हैं इधर, तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। हम आए हैं बहुत देर के बाद इधर और काफ़ी तब्दीली आई है यहाँ पर, क्योंकि नया पाकिस्तान भी आ गया है, इस वजह से तब्दीली तो आनी थी। और सामने आपको शायद ये पौधों के पीछे से जोकर नज़र आ रहा होगा और इशाल फातिमा इससे डर रही है। इशाल फातिमा सिंधबाद के अंदर एंटर हो चुकी है और बहुत खुश है। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, पर हम तो खुश हो गए ना। इशाल बाहर तो जो तब्दीली आई है वो तो एक छोटी सी तब्दीली थी, लेकिन जब हम अंदर एंटर हुए हैं तो बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। ये देखें, ये जो ट्रेन थी बच्चों की यहाँ पर, वो उन्होंने उठा दिया और ये झूला नया आया है। और ये देखें, ये ट्रेन के नीचे एक छोटी बच्चों की ट्रेन थी, वो बच्चे जो इशाल फातिमा है वो बहुत शौक से उसको ले झूला लेती थी उस ट्रेन के ऊपर। तो अब वो ट्रेन नहीं है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी कम रश है, लोग हैं लेकिन अभी आ रहे हैं लोग घरों से, क्योंकि अभी 8 बजे हैं सिर्फ और यहाँ पर रात तक खुला रहता है ये 12 बजे तक, तो इस वजह से अभी एंटर हो रहे हैं लोग और हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो बाहर तो काम हो रहा है, तो बाहर हमारा कोई काम नहीं है, तो हम जा रहे हैं ऊपर बच्चों के जहाँ पर खिलौने होते हैं, जहाँ पर इशाल फातिमा अपना एंजॉय कर सके। तो सामने बम्पर कार है लेकिन वहाँ हम नहीं गए, काफ़ी ज़्यादा रश था वहाँ पर, इस वजह से हम उधर नहीं गए, तो हम ऊपर आ गए हैं ये देखे जी। और यहाँ पर भी कम, बहुत कम रश है, लेकिन अभी आ रहे हैं लोग जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इशाल फातिमा तो बहुत खुश है, ये सारे झूले वगैरह गाड़ियाँ वगैरह देख के ना इसकी खुशी की इंतहा नहीं है, तो ये बहुत खुश है और कह रही है कि बस जल्दी जल्दी इनको ऑन कर दें ताकि मैं बैठ जाऊं। और आदिल लेने गए हैं जो कॉइन्स मिलते थे यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर ये भी चेंज हो चुका है, यहाँ पर अब कॉइन्स की जगह पर है ना एक कार्ड मिलता है जो रिचार्जेबल है, जब चाहे रिचार्ज करवा सकते हैं। और ये एरोप्लेन जो है ना, इशाल इसमें छोटी थी ना जब बहुत, तो इसमें बैठती होती थी और एरोप्लेन में बड़ा ही डरती होती थी, ये एरोप्लेन में और कोई भी झूले में बैठती है ना तो बड़ा डरती थी। इसकी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं इसकी मेरे पास, तो आपके साथ कभी शेयर करेंगे। तो इशाल जो है वो हर झूले को देख रही है और ये कार्ड आदि ले आए हैं जो कॉइंस की जगह आया है, तो ये हमें 210 का मिला है, ये रिचार्जेबल है, जब चाहे इसको रिचार्ज करवा सकते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल इसको हम चला रहे हैं कार्ड को, तो आप हमारे साथ रहिएगा। और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी है। और यहाँ इशाल फातिमा गाड़ी में बैठ चुकी है, लेकिन अभी हमने इसको चार्ज नहीं किया, लेकिन ये बैठी हुई है ये गाड़ी में और बहुत खुश है। तो मैंने इसको कहा अगर इस गाड़ी को हम ना मतलब चला देंगे ना तो ये उड़ जाएगी और बाहर चले जाएगी, तो ये डर रही है। तो बहुत प्यारी ये गाड़ी बनी हुई है बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे खिलौने हैं यहाँ पर, लेकिन काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है, हम बहुत देर के बाद आए हैं इधर। इशाल इशाल फातिमा, और यहाँ पर आदिल जो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो इनके फ्रेंड का फ़ोन आया और इशाल का जो झूला है वो ऑफ हो गया था, तो वो कह रही है कि अब दोबारा किसी और झूले में बैठा दे, तो अभी वो देख रही है, सिलेक्ट कर रही है कि कौन से झूले में बैठना है। तो अभी तो फ़िलहाल आदिल फ़ोन पे बात कर रहे हैं, जब ये फ़ोन पे बात कर लेंगे तो इसको हम एक और झूले में बैठाएँगे और आपके साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को ये हमारी क्यूट प्रिंसेस जो है इशाल फातिमा, इसकी जो हमने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, इसकी जो खुशी है बर्थडे की वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप लोगों ने हमें कमेंट्स में जरूर बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी है। और ये इशाल कह रही है मैंने इसमें बैठना है, तो ये देखिए इधर इसको हमने बिठा दिया इसमें। तो
बात खत्म हो गया। तो आप लोग वीडियो को छोड़ कर कहीं नहीं जाना, वीडियो को फुल वॉच करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। और ये जो है मेरी बेटी प्रिंसेस जो मेरी है, इसको इसके लिए आपने अच्छे अच्छे जो है ना बेस्ट विशेस देनी है आप लोगों ने। और चल आ जा नीचे, अदल उठ के जल्दी ये शाल फातिमा का लास्ट झूला था जो के रुक चुका है और अब बस हम जा रहे हैं घर। और ये शाल फातिमा, इसका दिल नहीं कर रहा घर जाने को, ये कह रही है कि मैंने अभी और बहुत सारे झूले लेने हैं लेकिन काम टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और उसके बाद हम आ गए हैं बाहर और हम जा रहे हैं अब घर की तरफ। तो यहाँ पर आप लोगों के साथ थोड़ी सी वीडियो शेयर करेंगे क्योंकि अभी देखिए ये लोग आ रहे हैं। और ये फूल जो थे ना बहुत प्यारे येलो कलर के थे लेकिन अंधेरा था इस वजह से इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं मैं बना सकी। कोई भी नहीं लिया ना तुमने, विशाल को इसके अंदर बैठा दे। और शाल फातिमा कह रही है कि मैंने इस झूले पे बैठना है लेकिन ये झूला बहुत डेंजरस है और यहाँ पर बच्चों की तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं है। और देख सकते हैं आप कैसे शोर मचा रहे हैं जो लोग अंदर बैठे हुए हैं झूले के डर के साथ। और ये ईंटें जो हैं वो पड़ी हुई हैं, यहाँ पर काम हो रहा है सारा। तो जब ये काम कम्प्लीट हो जाएगा कभी तो फिर हम दोबारा आएंगे शाल फातिमा को लेकर। तो ये देखिए अभी ज़िद कर रही है अपने पापा के साथ कि मैंने इस झूले में बैठना है। और देखिए जी वो कह रही है कि मैं किसी तरह इसमें बैठ जाऊं बस। चले अब विशाल, हेलो वीडियो बना रही, वीडियो हेलो।
तो नहीं डर लग रहा है शार? उम्मीद है कि आज विशाल फातिमा का जो डर है वो जोकर को देख के बहुत ज़्यादा डरती है, और आज उसका जो कम डर है वो कम हो चुका होगा क्योंकि उसने उसके साथ शेक हैंड किया है और अभी तक उसकी बातें कर रही है हमारे साथ और काफ़ी ज़्यादा खुश है। और इसी खुशी में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में, और जो न्यू आए हैं अभी अभी मेरे चैनल को वो मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। और हम सबको रखिएगा अपनी दुआओं में याद, और बस जी अल्लाह हाफिज़।